हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप आई होप आप सभी बढ़िया होंगे दिस इज तृप्ती एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू एन एंड पे सी द चैनल वेर कैन लर्न ऑल द कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स एंड टूडेज टॉपिक इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ओके दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड ईजी टॉपिक एंड जनरली एग्जाम में थ्री मार्क्स का पूछा जाता है ओके सो स्टेट यू टिल द एंड एंड मेक श्योर कि आपको ये वीडियो भी पहले के वीडियोज़ की तरह पसंद आए अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा एंड अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ओके okay? एंड साथ ही साथ इन सभी टॉपिक्स के नोट्स भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड किए जा रहे हैं सो so, आप वहां से आपके नोट्स भी ले सकते सो so, साथ एंड साथ, साथ ही साथ आपको इन सभी चैप्टर एंड साथ ही साथ आप सब एंड साथ ही साथ आप सभी को इन एंड साथ ही साथ आपको इन सभी टॉपिक्स के नोट्स भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं हमारी टेलीग्राम चैनल पर ओके okay, तो वहाँ से आप इन सभी नोट्स को भी ले सकते हैं एंड लास्ट के जो भी लेक्चर्स है अगर आपसे मिस हुए हैं स्कीप हुए हैं तो आप उन वीडियोस को देख सकते हैं उनके लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है आप वहाँ जाकर लिंक्स पर क्लिक करेंगे तो आपको वो सभी वीडियोज़ लेक्चर ठीक है इस चैप्टर से रिलेटेड सभी वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे एंड हमारा टाइम सेव हो इसीलिए हमने इस टॉपिक से रिलेटेड सभी पॉइंट्स को पहले नोट डाउन कर लिया और राइट ओके लेट अस स्टार्ट आवर क्लास यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ओके यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज अ एग्जांपल ऑफ टू ठीक है टू मोशन मीन्स अगर कोई बॉडी रोल कर रहे है या फिर सर्कुलर मोशन करें तो वो एक्स ए भी एंड वाई एक्सेस में भी दोनों एक्सेस में मूव कर रही है मोशन कर रही है इसीलिए हम इसे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं एंड ये जो एग्जांपल है दिस इज द एग्जांपल ऑफ टू डायमेंशन ओके okay, ये एग्जाम्पल है आपका टू डायमेंशन का सो वेन एन ऑब्जेक्ट फॉलोज अ सर्कुलर पाथ एट अ कॉन्स्टेंट स्पीड मोशन इज स्टार्ट टू बी अ यूनिफॉर्म मोशन ठीक है मीन्स आपने एक सर्कुलर पाथ लिया अभी सर्कुलर पाथ में आपका ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है ठीक है उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहीं भी हो सकती है एंड ये इंपॉर्टेंट थिंग है कि ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है थ्रू आउट द मोशन वो सेम होगी वो कांस्टेंट होगी ठीक है स्पीड की बात कर रहे हैं इन द सेंस हम ओनली मैग्नीट्यूड ले रहे हैं ठीक है स्पीड डिस्टेंस ये सभी क्या है ये स्केलर क्वांटिटी है इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड तो स्पीड की जब भी बात करें तो ओनली मैग्नीट्यूड की बात करें बट यहां पर जब कोई बॉडी सर्कुलर मोशन करती है देन स्पीड विल बी रिमेन सेम बट वेलोसिटी विल continuously changing at every point of this circular motion ठीक है मैंने क्या बोला कि speed किसी भी object की जब वो object circular motion कर रहा है तो speed तो same होगी means magnitude हर point पर same होगा ठीक है point अगर आपका object point P पर है तो उसकी जो speed है वो same होगी उसका जो speed मतलब distance है magnitude है वो same होगा अगर आपने position को change कर दिया ठीक है point P से P dash ले रहे हैं तो उस पॉइंट पर भी स्पीड सेम होगी मीन्स मैग्नीट्यूड सेम होगा बट डायरेक्शन डिफरेंट होगी डायरेक्शन डिफरेंट होगी इसीलिए हम कहते हैं कि यहां वेलोसिटी कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है हर पॉइंट पर सर्कल के हर एक पॉइंट पर वेलोसिटी चेंज हो रही है ओके okay? तो हमने क्या किया हमने सपोज किया कि एक ऑब्जेक्ट है वो v वेलोसिटी से ठीक है वेलोसिटी कितनी है v v वेलोसिटी से इस सर्कुलर पाथ में मोशन कर रहा है और इस सर्कल का जो हम ले रहे हैं सपोज कर रहे हैं उस सर्कल का रेडियस कैपिटल R है इतनी बात समझ में आई आपको ठीक है हमने क्या किया एक ऑब्जेक्ट लिया ऑब्जेक्ट इस सर्कल में मोशन कर रहा है वी वेलोसिटी से वेलोसिटी बोल रही हूँ मैं ठीक है वेलोसिटी मीन्स अपने डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों ही इसमें मैटर करेंगे ओके okay. एंड सर्कल का रेडियस कैपिटल आर है ओके okay, यहाँ तक क्लियर है अब आप देखिए अगर वेलोसिटी की हम बात कर रहे हैं तो वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड तो ठीक है मैग्नीट्यूड है मीन स्पीड है बट डायरेक्शन है तो डायरेक्शन क्या होगी तो जो डायरेक्शन एक्सेलरेशन की होगी वही डायरेक्शन वेलोसिटी की होगी ठीक है मैंने क्या कहा कि सर्कल में अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसका जो एक्सेलरेशन है एक्सेलरेटेड मोशन कर रहा है ठीक है तो एक्सेलरेशन है एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन है वही वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी तो यहाँ हमारा जो एम होगा एक्सेलरेशन ही फाइंड करना है ठीक है एक्सेलरेशन फाइंड करना है तो एक्सेलरेशन में मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों फाइंड करना है क्योंकि एक्सेलरेशन इज अ फैक्टर क्वान्टिटी क्लियर है हमें फाइंड क्या करना है एक्सेलरेशन ओके तो हमने सपोज किया कि इस सर्कल में हमने टू पॉइंट्स लिए ठीक है पॉइंट पी एंड पॉइंट पी डैश तो फर्स्ट में ऑब्जेक्ट का ये पोजीशन है ठीक है मतलब ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पॉइंट पी पर है हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा है पोजीशन कोऑर्डिनेट तो पोजीशन कोऑर्डिनेट होगा वो आर सपोज कर लिया ठीक है और पोजीशन कोऑर्डिनेट हमेशा किसका रेफरेंस में होता है ओरिजिन के तो सर्कल का ओरिजिन ओ कंसिडर किया है तो ओ के रिस्पेक्ट में पोजिशन कोर्डिनेट या पोज्यूशन वैक्टर भी बोल सकते हैं आर है ठीक है एंड अब हमने सर्कल के एक दूसरे पॉइंट को कंसिडर किया दैट इज डेश ठीक है मींस ऑब्जेक्ट की पहले पोजीशन ये थी अब ऑब्जेक्ट मोशन करते हुए इस पॉइंट पर आ गया पी डेश पर आ गया ठीक है तो इसका पोजीशन कोऑर्डिनेट हम आर डेश कंसिडर कर लेते हैं ठीक है डिफरेंट होगा क्योंकि उसकी पोजिशन चेंज होगी तो पोजिशन कॉर्डिनेट या पोजिशन फैक्टर भी चेंज होगा ओके अब देखिए कि एक बात जो इंपॉर्टेंट है और लास्ट के वीडियो लेक्चर में भी मैंने समझाया कि पोजीशन कोऑर्डिनेट हमेशा उस पॉइंट पे होता है जिस पॉइंट पर उसकी परपेंडिकुलर वेलोसिटी होगी ठीक है मीन्स अगर आप इस पॉइंट की बात कर रहे हैं पॉइंट बी की बात कर रहे हैं तो पोजीशन कोऑर्डिनेट के परपेंडिकुलर वेलोसिटी होगी ठीक है मीन्स वी इज परपेंडिकुलर टू आर होगा ओके okay? इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ठीक है पोजीशन और वेलोसिटी इज ऑलवेज इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन तो यहाँ पी डे के लिए आर डेस के परपेंडिकुलर वी डैश हो जाएगा अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वी वी ये सब चेंज हो रहा है कंटिन्यूसली हर पॉइंट पर वी की वैल्यू तो चेंज हो रही है ठीक है ना अब आप एक्सेलरेशन की बात करें तो एक्सेलरेशन इज इक्व एज इक्वस टू डेल वी बाई डेल टी होता है मतलब एक्सेलरेशन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ए इज इक्वस टू वेलोसिटी में चेंज डिडेड बाई टाइम ठीक है तो हमने क्या सपोज किया ऑब्जेक्ट ने P पॉइंट से P पीडैश पॉइंट पर गया और उसकी जो वेलोसिटी में चेंज आई दैट इज डेल वी इन टाइम इंटरवल डेल टी ठीक है अब देखिए इसी इसी सिचुएशन को हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर लेते हैं जो जैसे V की डायरेक्शन हमने इस तरह से डिनोट कर दी और V वीडेष की डायरेक्शन इस तरह से डिनोट कर दी ओके okay, तो यहां पर

ठीक है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डेल आर ये जो है वो परपेंडिकुलर होगा डेल डेल्फी के ओके मींस आर जो है पोजीशन वेक्टर परपेंडिकुलर है वेलोसिटी के यहां इज परपेंडिकुलर टू पी पीडेश ठीक है ये मैंने नेक्स्ट स्लाइड में लिखा हुआ है तो डेल आर इज परपेंडिकुलर टू डेल डेल्फी ठीक है अगर आप इसे नेम सजेस्ट करें ओ पी पी पीडेश तो ये जो एंगल है इससे हम डेल थीटा ठाक कंसिडर कर लेते हैं ठीक है अब यहां सभी एक दूसरे के परपेंडिकुलर है देन जो एंगल होगा वो सेम होगा ठीक है मीन्स ओ पी पीडेश्वल टू ए बी सी आर आर समझ में इस डायग्राम के थ्रू ही आपको इस कॉन्सेप्ट को समझना है ठीक है क्या किया मैंने कि आर इज परपेंडिकुलर टू वी एंड आर परपेंडिकुलर टू वीडेश देन डेल आर इज परपेंडिकुलर टू डेल वी ओके एंड इस सिचुएशन में एंगल भी सेम होंगे क्योंकि सभी क्वांटिटीज एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो ये वाला जो ट्राइंगल है ओ पी पी डैश एंड ए बी सी दे विल बी सेम टू इच अदर ठीक है ये दोनों इक्वल होंगे और अगर इक्वल ट्राइंगल होते हैं तो उनके साइड्स के रेशो इक्वल होते हैं ठीक है मीन्स आप अगर साइड ये ले लें पी डैश एंड पी ले लें तो उसका जो रेशो है वो अपॉन आर भी कर सकते हैं आप ठीक है एंड आर डेज भी कर सकते हैं हम एक कॉमन फैक्टर ले रहे हैं ठीक है हमारा जो एम है वो एक कॉमन फैक्टर लेना है ठीक है देखिए अभी वापस से समझाती हूँ मैं देखो क्लियर नहीं हुआ कोई बात नहीं हमने एक्सेलरेशन यहां पे निकाल दिया अब एक्सेलरेशन को आप धीरे 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 क्या करें कम करें ठीक है मीन्स अगर आपने ये जो टाइमिंग जो है वो स्लोली टेंस टू जीरो किया ठीक है मीन्स इंस्टेंटेनियस टाइमिंग किया तो यहां पर ए इंस्टेंटेनियस होगा डी वी बाई डी टी ठीक है अब इंस्टेंटेनियस में क्या होगा कि इन दोनों की पोजीशन सेम हो जाएगी p डश जो है वो p पर आ जाएगा तो ये सेम हो गया ठीक है ये सेम हो गया तो इसमें कांस्टेंट वेलोसिटी हो जाएगी ठीक है मेरे से आपको v डश एंड v ये सब नहीं करना है ओनली वन कांस्टेंट स्पीड लेना है ठीक है हाँ आप स्पीड की बात करते हैं सो so v हो जाएगा एंड पोजीशन कोऑर्डिनेट जो होगा वो मैग्नीट्यूड होगा यहां से यहां तक इस पॉइंट के लिए तो रेडियस ऑफ दिस सर्कल क्या है कैपिटल आर तो हमें एक्सलरेशन को इस तरह से रिप्रेजेंट करना है कि हमारे कॉमन फैक्टर्स आ जाए मीन्स वी आ जाए स्पीड आ जाए एंड कैपिटल आर आ जाए ओके okay? तो हमने दोनों एंगल्स ले लिए ठीक है हमने क्या किया ये दोनों एंगल्स ले लिए नेक्स्ट स्लाइड में देखिए एंगल ओ पी पी डी एंड एंगल ए बी सी ठीक है o, P, P A, B, ये ट्राइंगल ले लिए दोनों अब इनके साइड्स सेम होंगे सो डेल वी बाई वी इज इक्वल्स टू डेल आर बाई आर ठीक है ये क्या है आपका वेलोसिटी में चेंज एंड डिवाइडेड बाय स्पीड सेम जो वेलोसिटी होगी एंड डेल आर इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ठीक है मैंने वैक्टर साइन नहीं लिया है क्योंकि हम ओनली मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं ओके अब यहां से आप डेल वी को सब्जेक्ट करें सो so वी यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा ठीक है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में सो वी इंटू डेल आर बाई कैपिटल आर डेल वी की वैल्यू को इक्वेशन वन में पुट करें सो ए इज इक्वल्स टू लिमिट डेल टी टेंस टू जीरो डेल टी टेंस टू जीरो ठीक है मीन टाइम को काफ़ी कम कर दिया ठीक है टाइम शुड बी वेरी वेरी लेस इन इंस्टेंटेनियस इक्वेशन इंस्टेंटेनियस में इंस्टेंट पे ठीक है टाइम उसमें बहुत बहुत स्लो होता है सो so, हमने वैल्यूज पुट किए यहाँ पे अब वी बाई आर ठीक है इनमें तो कोई चेंज नहीं होना चेंज किस में होना है ये टी वाली टर्म है सो डेल आर बाई डेल टी डेल आर बाई डेल टी अब ये जो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है यही स्पीड होता है ठीक है सॉरी वेलोसिटी होता है बट अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो वो स्पीड हो जाएगा ठीक है सो स्पीड वी एंड वी इंटू वी वी स्क्वेयर अपॉन आर सो एक्सलरेशन मैग्नीट्यूड जो है एक्सेलरेशन का दैट इज वी स्क्वेयर अपॉन कैपिटल आर आर ठीक है मीन्स एक्सेलरेशन की वैल्यू डिपेंड करती है स्पीड पर एंड डिपेंड करती है रेडियस पर ठीक है जितना ज्यादा रेडियस होगा उतना कम एक्सलरेशन होगा एंड वेलोसिटी जितना ज्यादा होगी उतना ही एक्सलरेशन ज्यादा होगा तो इस एक्सलरेशन की जो डायरेक्शन है डायरेक्शन है वो वेलोसिटी पे डिपेंड करती है और वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है वो हमने लास्ट के डायग्राम में देखा है कि वेलोसिटी इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर देन एक्सलेशन इज ऑल्सो डायरेक्टेड टुवर्स एक्सेन की डायरेक्शन टुवर्ड द सेंटर होगी एंड मैग्निट्यूड होगा स्क्वेयरेशन ओके सेंट्रीबिटल एक्सलेशन भी इसे बोलते क्योंकि इसके एक्सलरेशन की डायरेक्शन सेंटर की तरफ होती है ओके अब इसी डेरिवेशन को हम अनदर वे में देखते हैं ठीक है सपोज हमने जो ठीटा एंगल दिया है ठीक है डेल्ट टीटा उसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी बोलते हैं ठीक है ये एंगुलर वाले जो टर्म है वो हम आगे के चैप्टर में सीखेंगे बट अभी आपको सिंपली ये जान लेना है कि अगर कोई बॉडी रोटेट कर रही है सर्कल में घूम रही है तो उसमें जो एंगल होता है एंगल को बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ओके सो एंगुलर स्पीड क्या होगी एंगुलर स्पीड को ओमेगा से डिनोट किया जाता है ओमेगा इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम ठीक है जिससे हमारे सिंपली स्पीड होती थी वी इज टू अपॉन आर so, okay. हो तो displacement vector. Displacement vector आपने जो डायग्राम देखा था ये आपका सर्कल था यहाँ पर पीडेस पोजिशन ठीक है एंड दिस इज पी पोजिशन और ये जो डिसमेंट वैक्टर था ये आर्क की तरह ही बिहेव करेगा ठीक है ये आपका एंगल है तो एंगल इज इक्वस टू आर्क ये आर्क हुआ मीन्स ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एंड रेडियस क्या है कैपिटल आर टू कैपिटल आर लिख दिया आपने ओमेगा इज इक्वल टू यहाँ डेल थीटा के प्लेस पे डेल आर अपॉन आर लिख सकते हैं और ये वाला जो टर्म है ये आपका होगा वेलोसिटी ठीक है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम वेलोसिटी होता है तो वी अपॉन आर सो तो यहाँ से वी इज इक्वस टू ओमेगा इंटू आर हो गया ठीक है एंगुलर स्पीड के टर्म में वेलोसिटी आ गई आपको अब एंगुलर स्पीड के टर्म में आपकी एक्सेलरेशन को फाइंड करना है तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वी स्क्वेयर अपॉन आर होता है तो वी का वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे सो आर ओमेगा मेगा स्क्वेयर इज द एक्सेलरेशन इन टर्म्स ऑफ एंगुलर स्पीड ओके एंड अगर आप पूरे सर्कल को लेते हैं तो पूरा जो डिस्टेंस होगा वो टू पाई आर होगा सर्कम ऑफ दिस सर्कल ठीक है टू पाई एंड आर इज द रेडियस और टोटल टाइम हम सपोज कर लेते हैं कि सर्कल का एक पूरा चक्कर लगाने में ठीक है वन रिवॉल्व करने में वन रिवोल्यूशन में जो टाइम है वो कैपिटल टी है और टी को ही बोलते हैं हम टाइम पीरियड टाइम पीरियड मीन्स अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी सर्कल में मोशन करे और उस सर्कल के वन रिवोल्यूशन को कम्प्लीट करें उस टाइमिंग को आप बोलते हैं टाइम पीरियड और इसे कैपिटल टी से डिनोट किया जाता है ठीक है एंड टी टाइम में जितने रिवोल्यूशन हो डेट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी ठीक है इसे न्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है एंड फ्रीक्वेंसी इज रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड ओके मीन्स टी इज इक्वल्स टू वन बाई न्यू होगा ओके okay, अब यहां से आपने पूरा जो डिस्प्लेसमेंट ले लिया पाई आर, तो है टू पाई आर हो जाएगा यहां पे, तो डेल आर इज इक्वल अपॉन टाइम तो डिस्प्लेसमेंट टू पाई आर टोटल ले रहे हैं एंड टाइम कैपिटल टी हुआ सो वी इज इक्वल टू टू पाई आर न्यू ठीक है टी वन बाई टी को आप वन बाई वन बाई टी को आप न्यू भी लिख सकते हैं एंड एक्सेलरेशन के प्लेस पे लिख दो एंड एक्सेलरेशन में एंड एक्सेलरेशन रेशन ए इज इक्वल टू वी स्क्वेयर अपन आर तो वी का स्क्वेयर कर दो आप ठीक है ये वैल्यूज का स्क्वायर कर दो और आर से आर कैंसिल हो जाएगा सो फोर पाई स्क्वेयर इंटू न्यू स्क्वेयर इंटू आर तो ये हुआ आपका सेकंड वे जिसमें हमने एंगुलर स्पीड के टर्म में वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन को फाइंड किया ओके आई होप आपको सभी पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे अब हम नेक्स्ट वीडियो में इंपॉर्टेंट फार्मूलाज पर डिस्कस करेंगे टिल देन कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग थैंक यू सो मच